गुड आफ्टरनून बच्चों, अभी हम हिंदी संचिता पुस्तक से गोलू का घर पाठ के एक्सरसाइज की ओर पढ़ते हैं। बच्चों, आपको नए शब्द अर्थात शब्दार्थ और कठिन शब्द लिखने के लिए याद करने के लिए दिए जा चुके हैं। आइए अब प्रश्नों की ओर पढ़ते हैं। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका उत्तर इस प्रकार है। गोलू कौन था? उत्तर है, गोलू एक छोटा सा प्यारा घोंघा था। गोलू कहाँ रहता था? उत्तर है, गोलू बगीचे में रहता था। गोलू कैसी जगह जाना चाहता था? उत्तर है, गोलू सबसे न्यारी जगह जाना चाहता था। बगीचे में कौन खेल रहे थे? उत्तर है, बगीचे में अंकिता और यश खेल रहे थे। गोलू कहाँ छिप गया? उत्तर है, गोलू एक पत्ती के नीचे छिप गया। गोलू सेब के पेड़ की पत्तियाँ क्यों नहीं खा सका? उत्तर है, गोलू माली की बड़ी बड़ी मूंछें देखकर डर गया था, इसलिए वह सेब के पेड़ की पत्तियां नहीं खा सका। गोलू को अपनी न्यारी जगह कैसे मिली? उत्तर है, जब गोलू झरने के पास पहुंचा, तो उसे अपने जैसे कई मित्र मिल गए। तब गोलू बहुत खुश हुआ। उसे वहां से अब कहीं नहीं जाना पड़ेगा। यही उसकी न्यारी जगह थी। सही उत्तर चुनकर टिक लगाइए। बच्चों, यहाँ दो प्रश्न हैं और दो उत्तर भी दिए गए हैं। जो सही है उसके बगल वाले बॉक्स में टिक लगाना है। पहला प्रश्न है, गोलू एक पत्ती के नीचे क्यों छिप गया? तो सही उत्तर है, क्योंकि वह दिखाई नहीं देगा तो सुरक्षित रहेगा। ये जो वाक्य लिखा है उसके बगल वाले बॉक्स में टिक लगाइए। गोलू नई जगह क्यों जाना चाहता था? इसका उत्तर है, क्योंकि उसका बगीचा सूख गया था। इस वाक्य के बगल वाले बॉक्स में टिक लगाएंगे। सही शब्द चुनकर खाली स्थान पूरे कीजिए। बच्चों, यहाँ दो शब्द दिए गए हैं, तो सही शब्द चुनकर खाली स्थान को लिखना है, खाली स्थान में लिखना है। गोलू को पत्ती बहुत स्वादिष्ट लगी। दूसरा है, गोलू को पत्तियाँ बहुत स्वादिष्ट लगी। उसे खूब सारे पेड़ पौधे दिखाई दिए। उसे पौधा दिखाई दिया। नीचे दिए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। बच्चों, ये शब्द अशुद्ध है, उसके बगल में शुद्ध शब्द लिखना है। जैसे फूल फूल, नयारी न्यारी, बगीचा बगीचा, आवाज आवाज। समझ गए? समान अर्थ वाले शब्दों पर गोला लगाइए। इससे पहले दिया गया है मित्र, इसका समान अर्थ दोस्त होता है, इसलिए उस पर गोला लगाया गया है। न्यारी समान अर्थ है अनोखी, उस पर गोला लगाना है। क्रोध, इसका समान अर्थ वाले शब्द है गुस्सा, इस पर गोला लगाना है। बगीचा, इसका समान अर्थ वाले शब्द है उपवन, इसलिए इस पर गोला लगाना है। खुश, इसका समान अर्थ वाले शब्द है प्रसन्न, इसलिए इसमें गोला लगाना है। दिए गए शब्दों में र का सही रूप लिखिए। प्रणाम,
इस प्रकार लिखेंगे, पर संयुक्त, ण में आ की मात्रा, म प्रणाम। वर्षा, व श में आ की मात्रा, उसके ऊपर एफ। क्रोध, क र संयुक्त, ओ की मात्रा, ध क्रोध। राष्ट्र, र में आ की मात्रा, मूर्धन्य श, ट र संयुक्त, राष्ट्र। मेट्रो, म में ए की मात्रा, ट र संयुक्त, ओ की मात्रा, मेट्रो। धर्म, ध म ऊपर एफ। धैर्य, ध में ए की मात्रा, य ऊपर एफ। गर्व, ग व ऊपर एफ। ट्रक, ट र संयुक्त, क ट्रक। प्राण, प र संयुक्त, आकार, ण प्राण। भ्रम, भ र संयुक्त, म भ्रम। प्रेम, प र संयुक्त, ए की मात्रा, म प्रेम। समझ गए बच्चों? इसे आप बुक में कर लीजिएगा। धन्यवाद।